से ठीक नहीं था, लेकिन जयप्रकाश भाई की विशेषता जो मैंने इनके जीवन में देखी है, क्योंकि पांडव भवन में भी साथ में रहे हैं हम कई वर्ष, शायद 30 वर्ष इकट्ठे रहे हैं, तो भाई साहब का बहुत ही नियमित जीवन है, नियम अनुकूल, सिद्धांत अनुकूल, सिद्धांत से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अपने नियमों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो दिनचर्या एक ईश्वरीय विद्यार्थी की होनी चाहिए वो आपकी, और डबल सेवा करते थे, आप लौकिक में भी प्राध्यापक थे और वो भी प्रधान अध्यापक, और वैसे भी बाबा की क्लास में भी नंबर 1 स्टूडेंट, डेली क्लास कभी मिस नहीं, और कुमारों को बहुत गाइड करते थे, गाइडेंस बहुत, कुमारों को, भाई बहनों को गाइडेंस बहुत, तो बहुत जीवन के अनुभवी। और बाबा पर जो निश्चय है वो ऐसा निश्चय है कि बाबा जिम्मेवार है, बाबा पूरी जिम्मेवारी लेता है आपके स्वास्थ्य की। कहा सुख धाम से छत से ऐसे नीचे गिरे थे और बाल भी बांका नहीं हुआ, ये किसकी कमाल थे, ऊपर से ऐसे जैसे कि कोई फूल नीचे गिर गया हो। ये होता है बाबा में अटूट विश्वास, बाबा की पढ़ाई में विश्वास, बाबा की पढ़ाई की धारणा, ये उन चीजों का महत्व होता है। तो मैंने कहा भाई साहब आप क्लास को मिले और अपना अनुभव शेयर करेंगे कि कैसे बाबा ने इनको, अभी भी 2 महीने में कैसे बाबा ने एक के बाद एक के बाद एक पेपर आए हैं, लेकिन कैसे उनको पार किया है। 21 जून का प्रोग्राम याद करा रही हूं सबको, 21 जून कहाँ पहुंचना है, लाल किला, लाल किला कितने बजे पहुंचना है, 5:30 बजे पहुंचना है। अकेले पहुंचना है या साथियों सहित, साथियों सहित बड़ी तादाद में लाल किले पर धावा बोलेंगे, है ना, रूहानी धावा, दूसरा धावा नहीं, रूहानी धावा बोलेंगे, और उसके प्रांगण को बिल्कुल रूहानी बनाएंगे याद की यात्रा से, योग से, संगठन के बल से। अभी भाई सबसे सुनेंगे। ओम शांति। बहुत शॉर्ट में अनुभव सुनाएंगे, अनुभव के लिए कुछ आवश्यकता नहीं है पुरुषार्थ करने की, जो लंबे समय से हमने पुरुषार्थ किया है वही अनुभव है। एक प्रकार से हम पिछले भट्टी में गए थे, हमने लिख के दिया कि नष्टम हुआ और उपराम अवस्था का पुरुषार्थ करेंगे। पेपर आ गया, पेपर क्या, परीक्षा आ गई। पेपर से होते हैं ये त्रिमासिक, षटमासिक, साल वार्षिक, अर्धवार्षिक, पूरी परीक्षा एक साथ ही आ गई, और 2 मास से अधिक परीक्षा दी है। मैं समझता हूँ कि उपराम अवस्था के लिए क्या क्या आवश्यक है वो पूर्व था। जब हम अस्पताल आए तो मैंने सुधा कहा, बहन जी ये चाबी हेलो करके,
और ये डायरी पेन है, जो भी कुछ करना हो उससे करो, और ये फोन में रख लो। एक मास तक हमने फोन इस्तेमाल नहीं किया। कोई फोन आता था पहले पूछो मैं ठीक हूँ, जल्दी है भाई मैं ठीक हूँ, ओके। अवस्था का यानी ऐसा कि जी बहन जी कहती हैं आप बिल्कुल भूल गए हो। मैंने कहा 1% भी कोई लौकिक अलौकिक याद नहीं आता है, कहती है हमको भी, मगर सभी के लिए बात है। ये फोन बाधक है भगवान को याद करने के लिए। कई बार देखा है हमने बैठे भी योग में फोन आ गया बाहर चले जाएंगे, बैठे मुरली सुनने के लिए फोन बाहर चले जाएंगे, भगवान से भी प्यारा ये है। तो हमने अभ्यास किया इसका। पहले सबसे पहले व्यक्ति यानी उपराम अवस्था के लिए व्यक्तियों से नष्टोमवा होना आवश्यक है। यह अपने आप हो गया, कोई याद ही नहीं आ रहा, कोई काम ही याद नहीं आ रहा। फिर है वस्तु, वस्तु में वस्तु क्या है, वस्तु पहले तो आजकल तो सबसे प्यारा मोबाइल ही है, फिर उसके लिए पैसा, फिर व्हीकल, फिर जो कुछ करना है, मुझे क्या पहनना है दे दिया, क्या खाना है ले लिया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं था। और दिन में भी मैंने अनुभव किया है। तो व्यक्ति वस्तु और स्थान, स्थान में मुझे ज्यादा कई बार मधुबन का हिस्ट्री हाल बाबा की मुरली सुनाते हुए अनुभव होता रहा, क्योंकि 8 साल ब्रह्मा बाबा से, 5 साल मम्मा से कारोबारों में सहयोगी रहे हैं, केवल मुरली नहीं सुनी है, काम में भी बिजी रहे हैं। खैर, तो अगर अवस्था उपराम बनानी है, नष्टमवा होना है, तो व्यक्ति वस्तु स्थान और पदार्थ इनसे उपराम होना चाहिए। अगर इनकी लागत जबकि लागत तो नहीं आएगी। क्या पहनना है जो दे दिया वो पहनेंगे। मैंने कुछ भी अपना रखा कुछ भी नहीं, यानी सब सामान हर चीज दिया हुआ था, अपने पास कुछ नहीं रखा। तो पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ मेरे बाबा के चित्र सामने था, बच्चे चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। तो इसका अनुभव किया है, उसके होते हैं मैं चिंता क्यों करूँ, क्या देना है क्या लेना है क्या करना है। पूरी तरह से बिजी रहते हुए, हिसाब किताब रहते हुए, हिसाब किताब पिछली कोठी का सत्कार उनका यहाँ का कोई याद नहीं आया। पहले ही मैं साइन कर जाता चेक पर, वापस आऊँ या नहीं आऊँ ये तो काम रहा, कम से कम जो लिखना था जो करना था डायरी में ये काम करने हैं ये काम करने हैं। जब तक आप यहाँ से उपराम नहीं होंगे, अटैच और डिटैच, अटैच कब होंगे डिटैच पहले हो जाएंगे यहाँ पर। तो डिटैच किया हमने अपने आप को, तो अटैच अपने आप रहे। मैं कहती थी बहने भाई साहब नीचे आ जाओ, अब नीचे मैं आऊँ क्या सुनाऊँगा क्या करूँगा, है ना। एक बात और है, दिन में मान लो थोड़ा आँख बदली होगी आँख खोलना, तो मुझे कुछ ऐसे ही विलसोस दिन में भी दिखाई पड़ते थे। बहन बैठी हुई बैठी हुई है, ये ग्रुप प्रीत बहन सुंदर बहन, मैंने कहा लो ना बोल रहा हूँ मैं। ये कहती हैं किसको दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, तो देने वाले भी लेने वाले भी आत्माएं आई। मैं बात कर रहा हूँ सीधा सीधा, इधर रख दो ना इधर, चलो आप यहाँ से ले लो, ऐसे हाथ नहीं करती भी है। देखा है बहन जी ने भाइयों ने, मैंने नर्सों से तो कहानी है डर जाएंगी, एक नर्स ने देख लिया इधर बैठ जाओ, नहीं ये ले लो, मगर नहीं रखो अपने पास। मैं बात कर रहा हूँ उनसे बहन सोच से, आखिरकार डॉक्टर ने पूछ लिया कि क्या है,
नाट साहब इवन सोर्स हैं इस कंपनी में, 15,000 रुपया कमरा किराया था वो वहाँ पर रहने का, इसमें मैं ऐसी जो भी अस्पताल है गुड़गांव में, तो वहाँ की बात थी, आईसीयू में रहे 5 दिन केवल, 95,000 रुपये किराया पर डे का दिया, मुझे कुछ पता नहीं है, खर्चा होता है लिख लो, देना भी लेना भी मुझे कुछ बताया नहीं, बाद में बताया नहीं उन्होंने ऐसे ऐसे हुआ। हमने वहाँ पर पानी तक नहीं पिया अस्पताल का, चाय की बात तो बहुत दूर रही है, आता था वहाँ से करके। कहने का भाव मेरा ये है, छूटे छूटे तो छोड़ो, अगर छूटेगा ही नहीं, छोड़ने गए तो छूट जाएगा आराम से। तो हमने इसी जीवन में परीक्षा देते समय उपराम अवस्था नष्ट मोहा का अनुभव किया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले भी अभ्यास किया था 3 दिन 7 दिन फोन का इसका सारी हिसाब किताब का, तो यही हमारा पुरुषार्थ का अंतिम क्रमचित अवस्था के दो ही रूप हैं, वही दो ही पुरुषार्थ हैं, उसका हमने अनुभव किया है। हम मैं कहता आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, मुझे आवश्यकता नहीं है परवश होने का, तो इसलिए आप सबसे मिलना कल भी था, लेकिन दीदी को आना था कल शाम को है मिले, तो मैं कल अवश्य क्लास में आऊँगा। दिनचर्या वही चलती है, सुबह 4 बजे से लगा करके रात तक, तो कोई उसमें वो नहीं है, भाई बहन आते हैं मिलते हैं, एकांतवास भी का अनुभव नहीं हुआ है। अरे आना था मेरे हाथ में, जाना है दूसरे हाथ में, कब जाएंगे, जो कहेंगे चले जाओ हम चले जाएंगे, जो डॉक्टर कह देगा हाँ अब काम हो गया है चले गए हम, तो ये भी है। मैं ये क्यों मैं करूँ, जाना था 4 अप्रैल को मधुबन मीटिंग में, चले गए अस्पताल में 4 तारीख को ही, अपने हाथ पर कुछ भी नहीं है, जो ड्रामे में नूंद है संसार होगा, मुझे ड्रामे पर और संस्कार के ऊपर, संस्कार होने के ड्रामा बाबा का इस पर निश्चय है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ओम शांति।